हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज तनीषा मेहरा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की वीडियो है ये ढाबा स्टाइल की दाल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। मैं आपको बताऊँगी इसे घर पर कैसे आपने बनाना है, तो चलिए बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्रीडियंट्स। ये सभी चीज़ें इसमें डलने वाली हैं। ये अदरक है, लहसुन, खूब सारा लहसुन इसमें डलेगा, मिर्ची, प्याज, टमाटर है और एक कटोरी धोकर मैंने लाल मसर की दाल रखी है। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने में हम इसमें डालेंगे आधा ढक्कन हींग का, एक चम्मच जीरा और फिर हम फ्राई कर लेंगे गार्लिक को यानी लहसुन। इसे अच्छे से ब्राउन करना है क्योंकि असली टेस्ट ब्राउन करने पर ही आएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये। ये देखिए ब्राउन यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च, आप चाहें तो रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसे अच्छे से सौते कर लेना है हमने। ये जब कुक हो जाए 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे और इसे भी हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अनियन यहाँ पर अच्छे से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर को। टमाटर को पहले मैं 2 मिनट तक पकाती हूँ, फिर इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ। उसके बाद जब टमाटर अच्छे से गल जाता है तब मैं बाकी मसाले जैसे कि हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। अदरवाइज़ कभी कभी आपके मसाले जल भी सकते हैं। तो मसाले चलाकर धीमी आंच पे इसे पका लिया। ये मसाला यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पक गया है और ये अब हम इसमें डाल देंगे दाल। अब इस दाल को हमने भून लेना है 5 से 7 मिनट। ये जो ट्रिक है दाल भूनने की, ये मुझे मेरी दादी ने सिखाई है। इससे दाल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। 5 से 7 मिनट तक हमने दाल को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद ये सभी चीज़ें मैंने कुकर में ऐड कर दी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 कटोरी पानी। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डाल लें और इसे सीटी लगवा लेंगे हम 2 मीडियम और 1 स्लो पे। अब हम इसका छौंक तैयार करेंगे। 1 चम्मच मैंने घी गर्म किया सबसे पहले यहाँ पर, और गर्म घी में हम ऐड कर देंगे हींग। ज़ीरा, अब यहाँ पर आप सूखी लाल मिर्च भी तोड़कर डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं यूज़ की, मैंने उसकी जगह देगी मिर्च यूज़ की कलर के लिए। और इसके बाद फटाफट हमने इसमें दाल डाल देनी है। तो ये देखिए धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे 5 से 10 मिनट, धीमी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। और ये दाल हो गई है यहाँ पर एकदम रेडी। तो इस दाल को आप लोग चावल के साथ, चपाती के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है ये दाल। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और जो मैंने पहले से वीडियोस डाली हैं उनको भी देख लें एक बार। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।